हे गज़ हाउ आर यू सो वी मीट अगेन आफ्टर वन वीक एंड यस पिछला हफ्ता भी वही सेम न्यूज़ के साथ निकल गया कोविड और ऑक्सीजन शॉर्टेज एंड कैसे द डेथ काउंट लॉकडाउन ऑल दैट सेम सेम ओल्ड स्टफ़ gotten इन बोर्ड ऑफ इट रियली सो i आई डिड वॉज आई रियली स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यूज़ आर्टिकल्स विच आर अवे फ्रॉम दिस टिपिकल मंडे इन कोविड एंड और कितना ही उसमें जनरल नॉलेज कर लेंगे कितना ही बिजनेस अवेयरनेस कर लेंगे यार बार बार उन टॉपिक्स को हम रिपीट कर चुके हैं वही टॉपिक घूम फिर के आ रहे हैं और भारत में कोविड अब भगवान जाने कब जाएगा सो आई टुक अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम एंड फॉर द प्रीवियस वीक गॉन बाय मैंने uh, जो टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश की they are little away from covid. i have tried to absolutely stay as far away as possible from this covid news, please. Okay. so, not wasting any time, uh, let's just quickly jump into those topics. Ki kya hain. cool. so, the first one is about the conflict that has started, that has erupted uh, between israel and palestine in gaza. and i'm sure, news, mein dekha hoega, you would have seen about how israel uh, went into a mosque and then palestinians. दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एट उसके बाद रॉकेट्स व लॉन्च फ्राम गाज़ा विच इज़ फैलस्तिनियन टेरिटरी एंड इसराइल ऑल्सो कंट्रोल्स एड पार्टली उसके बाद आयरन डोम आया तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है इन अ फ्यू आर्टिकल्स दैट है स्पैन ऑफ फ्यू डेज लास्ट वीक ठीक है तो पहला क्या था पहला वर्स दैट इसराइल अटैक्ड गज़ा इसराइल ने गाज़ा पे अटैक किया इट लॉन्च रॉकेट्स एंड ऑल ये एक न्यूज़ आया था अब रॉकेट्स लॉन्च किए तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ इसराइल वॉट इज पैलेस्तीन सो इसराइल इज अ कंट्री इट्स अ प्रॉपर कंट्री राइट और हमने पिछले हफ्ते उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की थी बेंजामिन नितन्याहू वैन वी डेड लास्ट ईयर लास्ट वीक्स वीडियो सो इसराइल इज अ कंट्री उसमें by Israel, is उस all surrounded by Israel on all sides. Now there is a small landmass called Palestine.

एंड आई हैव highlighted it इट in इन द वीडियो सो अब हमास अगेन वही एक जिसके नज़रिए से देखोगे यार अगर पैलेस्टीन के नज़रों से देखोगे तो शायद हाँ हमास इज़ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विच डिफेंड्स दैम दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के नज़रों से देखोगे तो इट्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विच यू नो अटैक्स अदर सॉवरन नेशंस लाइक इसराइल सो किस नजरिए से देख रहे हो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जिसके नज़रिए से देखोगे उसका वही है उसकी बात सच है so now what has happened is so from this particular topic of current affairs that israel did a airstrike on gaza with where people were killed which is a real sad, saddening bit two pieces of current affairs ke, uh, general knowledge came out one is about hamas which is a palestinian organization or uh, a militant organization as it is called from uh, representing palestine and two is the landmass just killy which is the landmass of gaza Okay. So this is what I wanted to cover as part of this topic. Now, what else happened in Israel at the same time? So you have that when these rockets were launched from uh, Gaza, they they hit Israel. Uh, they went towards Israel, but they couldn't hit the targets. Up to ninety percent of them uh, were intercepted. Now these are called interceptor uh, missiles. जो कि एक इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को बीच एयर में रोक देती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल मिसाइल ही हो इट कुड बी अ ड्रोन इट कुड बी अ बर्ड इट कुड बी अ प्लेन राइट बट वो एक इनकमिंग ऑब्जेक्ट को बीच एयर में मिड एयर इंटरसेप्ट करती है सो ऑल योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड फिजिक्स गोइंग टू प्रैक्टिस ओवर हियर नाउ वॉट इसराइल कॉल्स इट्स एयर डिफेंस सिस्टम इट कॉल्स एट्स कॉल द नेम इज़ आयरन डोम राइट सो दे लॉन्च दिस इन ईयर टू थाउजेंड एंड एलेवन And since then, it has been operational in Israel and has prevented multiple attacks, missile attacks on Israel in the past uh, 10 years, past decade. India also now has an air defense system. India bought S-400 from Russia. If you remember, controversial deal. The US <laughs> said, no, don't buy it. And, you know, countries which work with us cannot.

so that is uh, israel's iron dome system. Kuch casualties israeli side maybe who is palestinian side maybe may news tha. Uh, i was watching it yesterday and now it is being said that up to 100, more than 100 people are dead in palestine, which is a very bad thing. at the same time, since 90% of the rockets were blocked, obviously 10% fell. and if you read, uh, if you are seeing uh, the text in this uh, video, 1,600 uh, israel said solar missiles. दागी गई हैं ओवर इसरेल बाई हमास एंड दैट्स ए ह्यूज नंबर उसमें से कुछ तो ऑब्वियसली गिरेंगी ही 90 परसेंट इंटरसेप्ट हुई हैं जो 10 परसेंट इंटरसेप्ट नहीं हो पाई वो गिरी कुछ लोग मारे भी गए एंड आई एम श्योर यू वुड हैव सीन द न्यूज़ वेर अ लेडी ऑफ अ लेडी फ्रॉम इंडिया लेडी नर्स हु वॉज इन इसराइल शी वॉज किल्ड इन द अटैक एंड इसरेली काउंसिलेट इन इंडिया हैज़ सेट दैट दे आर गोइंग टू टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर वेल ऑफर फैमिलीज़ वेल बींग सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सो इन दिस केस आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इसराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच इज़ कॉल्ड आयरन डोम ओके चलो आगे चलते हैं और क्या हुआ अब सिर्फ बात यहाँ पर आके नहीं रुकी कि इसराइल ने पैलेस्टीन पर अटैक किया पैलेस्टीन ने जवाब दिया इसराइल को अब आयरन डोम हो गया सब कुछ हो गया अब ना यू यू वेक अप द स्लीपिंग ड्रैगन राइट And Israel's a sleeping dragon, if you realize it's a very powerful country, a very powerful military nation. And uh, the Prime Minister Benjamin Netanyahu he vowed, Kuch jaye, we are not going to stop, we are going to destroy uh, Palestine. And that's what we are seeing. Uskeba the uh, Kuch din pehle ki news that uh ek ke notice ek ka notice they are building khali kar do, and we are going to destroy this building. And and Israel really did this. They gave one hour of notice to the building owner, please vacate the building which housed the offices of uh, associated press and al jazeera. and this building was uh, just demolished. i say, sub-kubola, residents, ko bola and media companies, ko bola, please vacate the building. Uh, we feel that hamas uh, terrorists occupy, use this building for their illegal activities and the building was turned to rubble in just a matter of an hour. So yep, that is how uh, the next phase of the conflict is or escalate a lot of countries have come in and said we need to reduce the tensions uh, Egypt Qatar they are trying uh, to mediate to reduce the tension between Israel and uh, Palestine other countries some are taking sides with uh, Palestine some are taking sides with Israel and some countries are trying to mediate taki this doesn't turn into a real humanitarian uh, crisis situation right. और राइट अब ये हो गया इसराइल पैलेस्टीन द वर्ल्ड ऑफ वॉर दैट इज़ रेजिंग आउट देयर द नेक्स्ट इज हम पिछले वीडियोस में ये भी बात करते आ रहे हैं हाउ इंडिया लॉस्ट द केस अगेंस्ट केन एनर्जी एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बॉडी ने बोला कि इंडिया हैज़ टू रीपे 1.72 बिलियन डॉलर्स टू केन एनर्जी फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नो यू के हैज़ नो राइट टू पास सच अ जजमेंट बिकॉज इट्स अ टैक्सेशन इशू एंड यू के एंड इंडिया डोंट हैव एनी सच बायलैटरल लैटरल क्लॉज ऑन टैक्सेशन केसेज सो केन एनर्जी अब फर्क ये है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है और भारत सरकार है तो सरकारी काम करने की स्पीड और एक प्राइवेट एंटिटी के काम करने की स्पीड वो बहुत स्पीड से चली और उसने आइडेंटिफाई किया हर उस जगह पे जहाँ पे इंडियन एसेट्स हैं जो कि दे फॉल अंडर बायोलैटरल ट्रीटी और उसने केन एन एनर्जी ने काम चालू कर दिया टू यू नो गेट दीज इंडियन एसेट्स मैपड आउट कि ये इंडिया का एसेट है इसकी इतनी वैल्यू है इंडिया का एसेट है इतनी वैल्यू है ये एसेट है इतनी वैल्यू है इतनी दूसरी कंट्रीज़ में और सेवेंटी बिलियन डॉलर के इंडियन एसेट्स जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में हैं सीज ओशन में हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया इस केस को बेसिस बना के कि हमें इंडिया गवर्नमेंट से वन टू बिलियन डॉलर मिलने हैं और फिर जैसे धीरे धीरे कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ उनको एक्नॉलेज कर देगी कि हाँ ये इंडियन एसेट है तो वो इंडियन एसेट्स को सीज़ करना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग फ्राम प्लेन्स ऑफ एयर इंडिया शिप्स ओनड बाई द शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया oil and gas uh, shipments of india, which are en route to india. so if uh, these other countries acknowledge that, yes, they are uh, they are indian assets and they can be linked to this particular case, ken energy can take possession of those assets from the india government without, with the india government, not sure how they'll uh, react to this, because all these assets are in the foreign land. it's a very uh, stupid case. Uh,

मूव वन ना दिस वॉज टू डू विद बिजनेस इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड जियो पोलिटिकल सिचुएशन वेन इट कम्स टू माउंट एवरेस्ट तो एवरेस्ट पर क्लाइंब करने के दो रस्ते हैं वन इज वाया नेपाल वन इज वा आ चाइना देर आर टू रूट्स टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट नेपाल इज़ द प्रेफर्ड रूट ईजी क्लाइंब है आई मीन आई एम नॉट सेंग दिस बिकॉज आई नो एनी थिंग अबाउट इट इन पर्टिक्युलर बट दैट्स वॉट आई हैव रेड

और जो नेपाल साइड से जाएगा नेपाल में अगर आपको पता हो तो सिचुएशन इंडिया जैसी हो गई है देयर पॉपुलेशन इज़ टेरिबली अफेक्टेड बाई कोविड तो इंडिया का जो स्ट्रेन था वो नेपाल में अब चला गया है कोविड का एंड सिचुएशन इज़ वेरी ग्रेम इन नेपाल जितना बुरा इंडिया में था उतना ही बुरा सो मच सो दैट नेपाल हैज़ सेड कि जो माउंटेनियर्स पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते थे फॉर देयर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब प्लीज़ आप उनको वापस ले आओ वी कैन यूज़ इन मिनार हॉस्पिटल्स दैट इज़ द रिक्वेस्ट दैट नेपाल गवर्नमेंट इज मेकिंग टू द माउंटेनियर्स पहले वो फेंक के आ जाते थे और फॉर द लाइन ऑफ सेपरेशन वट चाइना डिट वॉज पहलेट कि हाँ हम सेपरेट uh, रखेंगे उधर नेपाल साइड से चाइना साइड से क्लाइंबर्स वुड भी कैप्ट सेग्रीगेटेड बट चाइना हैज़ नाउ थर्ली कैंसल्ड द्लान्स टू अलाउ एनी क्लाइंबिंग क्लाइम्स ऑन माउंट एवरेस्ट नेपाल ने कुछ परमिट्स दिए हैं फोर हंड्रेड आउट परमिट्स बट चाइना ने पूरी तरह कैंसिल ही कर दिया है, इस साल का एवरेस्ट क्लाइंब ओके कुल सो वॉट एल्स मोर टू डू विथ चाइना चाइना ऑल्सो मेड हिस्क्रिएटेड हिस्ट्री अगेन वेअर दे लैंडेड देयर मार्स रोवर वे इससे पहले यू एस के रोवर की हम बात करते ही रहते हैं बार बार परसिवियरेंस एंड द हेलीकॉप्टर इंजीनिटी बट नाउ चाइना हैज़ बीन ऑल्सो चाइना हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू सक्सेसफुली लैंड इट्स रोवर ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स एंड द नेम ऑफ दैट रोवर इज यूरोग ओके सो China National Space Administration which i have put in bold uh, in the video if you see here so this one is the is equivalent to NASA in US and they have been able to uh, send uh, this rover land this rover on mars uh, the mission started sometime in 2018 when the rocket was launched and it took quite a long time to travel to mars and then successfully land uh, uh, so from 18, the entire building process of the rocket, the, the design of the rover, and finally the launch of it. So, three years, China successfully managed to do what they uh, were going after. And uh, this also makes China in a league of just two, three nations which have ever been able to successfully land a rover on the surface of Mars. Okay. And uh, where it landed, that place is called uh, Utopia Planetia. ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स वेयर दिस रोवर हैज़ लैंडेड और उसके आसपास इट विल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स कुल चले मूविंग ऑन लि बेक बैक टू कोविड बट दिस इज ऑन ऑन द गुड साइड सो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन यू एस सी डी सी इन मैनी प्लेसिज हैज सेड कि अब जिन लोगों को भी वैक्सीन लग चुके हैं वैक्सीन के दोनों शॉट्स लग चुके हैं दे आर कंसिडर्ड फुली इम्यूनाइज उनको मास्क uh, पहनने की ज़रूरत नहीं है सो दे कैन बी इन इंडोर क्लोज्ड स्पेसेज विदाउट यूजिंग अ मास्क एंड दे कैन ऑल्सो दे डू नॉट ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग वो सिक्स फीट का डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है अगल बगल बैठ के काम कर सकते हैं टू द एक्सटेंट कि काफ़ी यू एस ऑफिस में ऑलरेडी काम होना चालू हो गया है बार्स uh, रेस्टोरस खुल चुके हैं आप बस दिखाइए कि आई एम इम्यूनाइज आई एम वैक्सीनेटेड एंड यू कैन वर्क इन क्लोज अप्रॉक्सिमेटली यू कैन मीट पीपल And I'm sure you would have watched the news. Majority of the US population is already vaccinated, only a little portion percentage is left. Jinko bola convinced jara jarek our vaccinate ho jao. So, I don't know when that day would come for India, but uh, eagerly looking forward to it. Until then, um, let's grapple with our oxygen and RTPCR shortages. Now, यू एस हैज़ सच हाई और एक्स्ट्रा स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन एंड द अमाउंट ऑफ रिसर्च दे हैव पुट इन कोविड इज़ सो एक्सिलेंट कि वो सिर्फ इतने पर नहीं रुक गए कि हमने एडल्ट पॉपुलेशन को या अबव एटीन को वैक्सीनेट कर दिया है दे हैव इवन सेट दैट किड्स अबव द एज ऑफ ट्वेल्व कैन ऑल्सो भी वैक्सीनेटेड सो दे हैव अप्रूव द फाइजर वैक्सीन फॉर वैक्सीनेटिंग किड्स अबव द एज ऑफ ट्वेल्व फॉर कोविड and with this uh, us would become one of the first countries where even kids would be fully vaccinated yep makes me wonder हमारे लिए वो दिन कब आएंगे अभी तो हम 18 plus के vaccination के लिए वेट कर रहे हैं फिलहाल तो और कोविड uh, से लिंक्ड बट इस बार नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डेथ्स और एनीथिंग बट व्हाट हैपेंड वाज जापान का जो कोविड बुकिंग कोविड वैक्सीन बुकिंग सिस्टम है जैसे कि इंडिया में हम कोविन यूज करते हैं राइट right?

I put this news here specifically just to tell you कि सिर्फ भारत में ही नहीं होता बट हाँ happens in the most developed countries also in the world. If you are following even कोविन पे भी issues आ रहे हैं slots book करने के some people are complaining मेरे पास OTP नहीं आ रहा किसी को slots नहीं slots ही नहीं मिल रहे बिल्कुल slot खोलते हैं और IR IRCTC IR आई सी और कोविन uh, में अब कोई अंतर नहीं रह गया जैसे आई आर सी में ticket नहीं book होती वैसे कोविन में slot नहीं book होता vaccination के लिए यही हाल हो गया उसके लिए भी कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा और है आ गए हैं विच टेल यू स्लॉट खाली हो गया तुरंत बुक कर लो पर जब तक बुक करने जाओगे तब तक वो गायब हो जाता है तो दैट्स वॉट इट इज़ बट इट डजेंट हैपन ऑनली इन इंडिया इट इज़ हैपनिंग इन प्लेसिज लाइक जपन ऑल्सो जहाँ पे विच ऑल्सो इज अ ह्यूज सर्ज इन कोविड केसिज बट नॉट एज बैड इज़ इन एज इंडिया वहाँ पर दिन के हज़ार के आस केस आ रहे हैं इंडिया में दिन के चार लाख के तीन लाख चार लाख केस आ रहे हैं सो दे इज अज डिफरेंस राइट चले आगे चलते हैं back to space exploration. So more to do with space exploration. After spending two years uh, the NASA spacecraft, Osiris Rex is making its way back to India. Now what, what Osiris Rex did, it's, it said it created history. It flew from Earth in 2018, uh, took time to reach an asteroid asteroid called Benu. फिर वो बेन्यू पे लैंड हुआ इट ड्रिल्ड इनटू बेन्यू और उसने वैक्यूम चैम्बर में बेन्यू का जो सॉयल सैम्पल है जो उसका रॉक सैम्पल है इट्स सक्ड दैट रॉक एंड सॉयल सैंपल इन द चबर अबाउट अप्रॉक्सिमेटली टू हंड्रेड ग्राम टारगेट था सिक्सटी ग्राम सैम्पल्स का बट अप टू टू हंड्रेड ग्राम इट्स सकड इन टू इट्स चेम्बर कुछ ज़्यादा ही ओवर जेलस था अबाउट कैप्चरिंग दीज रॉक एंड सॉयल सैम्पल्स एंड देन इसमें बीच में इशू भी आया था कि उसने इतना ज़्यादा सक कर लिया था चेम्बर में कि उसका जो लॉकिंग uh, मैकेजम था वो काम नहीं कर रहा था वो पत्थरों से और मिट्टी से भर गया था सो नासा डिड सम एक्सरसाइज टू नच द रॉकेट कि मिट्टी झड़ जाए एक्स्ट्रा रोड ढक्कन बंद हो जाए एंड नाउ इट हैज़ स्टार्टेड इट्स जर्नी बैक होम This would be the first time that a huge quantity of rock and soil samples from an asteroid has been collected. Japan also did it successfully twice, but they were very small quantities. This one is uh, in large quantities, and this will tell us about the origin of the solar system from the times when uh, even planet Earth wasn't formed. So, it'll, it will be a huge scientific uh, breakthrough for our scientists. राइट ऑल राइट ही चलिए अगला क्या हुआ अगला हुआ इसी टाइम पे दे वॉज अ बिग इन लास्ट वीक दे वॉज अ बिग साइबर अटैक विच हैप इन यू एस एंड द एंटायर ईस्ट कोस्ट ऑफ यू एस वेर फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द ऑयल कंजम्पशन ऑर्गेनाइज दैट इज गैसोलिन पेट्रोल यू एस रियली यूज डीजल एज मच इट्स मोस्टली पेट्रोल फॉर दैम और एविएशन फ्यूल एंड ऑल सो दैट oil consumption or oil supplies for 45 45% 45 of it through the entire east coast if you at the map me which is a, a big uh, you know entire uh, right side of uh, the atlantic ocean side of us this was affected now this cyber attack was carried out by a group called dark side so us is claiming that it was it was a cyber extortion uh, attack कि हमने आपके प्रोसेस बंद कर दिया आपका सिस्टम शट डाउन कर दिया या वी पुट अ मालवेयर देयर नाउ यू पे अस एंड इफ अनलेस यू पे अस वी आर नॉट गोइंग टू यू नो फ्री अप योर सिस्टम्स एंड वील कीप द माल इंस्टॉल्ड एंड वील कीप ब्लॉकिंग योर बिजनेस सो दिस यू एस क्लेम दैट दिस हैज़ बीन कैरिड आउट बाई अ ग्रुप कॉल्ड डार्क साइड विच ऑल्सो इज नोन टू गिव अवे पार्ट ऑफ इट्स रैनसम फॉर चैरिटी तो अब अच्छा इनिशिएटिव है बुरा इनिशिएटिव है जो भी है बट ऐसा ही है गलत है अच्छा कुछ नहीं है बिकॉज आप बिज़नेस इस तरह से इलीगली हेम्पर नहीं कर सकते सो यू एस डिट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वेर एन दे विल नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस बट टू यू नो एक्चुअली पुट राशनिंग कि आप इससे ज़्यादा ऑयल ख़रीद नहीं सकते इससे आप पेट्रोल नहीं डाल सकते इतना शॉर्टेज है इतने अमाउंट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते बिकॉज देर वॉज अ शॉर्टेज सडन शॉर्टेज ऑफ फ्यूल and, uh, you know, uh, places like u.s. and other developed countries, majority of the things are automated. they are not manual. so their fuel is mostly sent via pipeline, not by oil tankers. the way we see it uh, happening in india, Jhampir trucks are prominent and, and in some other uh, asian countries. majority of uh, larger countries, uh, like russia, u.s., they depend on pipeline networks rather than road transit of oil. so that was the problem here. okay. नाउ समथिंग एक्साइटिंग एंड फनी ऑल्सो सो आई एम श्योर ड्राकुलला के बारे में आप सबको पता होगा राइट सो ड्रैकुल्ला बचपन से हम वो कार्टून देखते आते हैं मूवीज़ हमने देखी है ड्रैकुल्ला इज़ अ मैन हु टर्नस इन टू अ वायर बैट कम्स एंड बाइट्स यू ब्लड्स अंग राइट बट दी वॉट इज़ द रियलिटी ऑफ ड्रैकुलला सो ड्राकुल्ला वॉज काउंट ड्राकूल राइट ही वॉज अॉज अ किंग And uh, there was—he never turned into a vampire or anything. But uh, it's historically it is said that he had a dungeon where he used to uh, uh, sort of uh, what do you call it? It was a dungeon. So the idea of a dungeon was to punish and to uh, in a lot of inhuman practices uh, on prisoners. So they he was famous more famous for his dungeon and how he tortured his victims in the dungeon so that is how uh, he the name got associated with uh, dracula that he's blood-sucking vampire so kuch nahi tha, he was a king he was king dracul and uh, he had a dungeon where he tortured his prisoners badly so that's uh, the thing now that castle where dracula stayed is called the bran castle and uh, Bran Castle, so what, what Romania has done to promote tourism and vaccination, everything simultaneously, they have turned Bran Castle or Dracula's castle into a COVID vaccination center So go there, vaccination if you get vaccinated at the Bran castle, then you get a certificate saying that you got vaccinated at the Bran castle, just may a torture chamber free tour included. and for 100 years you have free visits uh, to the brand castle. आप जब मर्जी जाइए और वहाँ पे घूमिए नो टिकट्स चार्ज इफ़ यू गेट दी वैक्सीनेशन एट ब्रांड कैसल्स और लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ अराउंड गेटिंग वैक्सीनेटेड जैसे यू एस ने ट्रक्स एंड मोबाइल वैन्स बना दिए कि वो जगह जगह घूम रही है खड़ी हो रही है वैक्सीनेट कर रही है चली जा रही है रोमानिया ने उसको टूरिज्म से लिंक कर दिया कि आओ वैक्सीनेट जगह भी घूमो वैक्सीनेशन भी लो फ्री में एंड इंजॉय सर्बिया ने कर दिया कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपको कि आपने वैक्सीनेशन लगाया है सो so ग्रेट आपने बहुत अच्छा काम किया आप कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो सो वी नीड टू अप्रिशिएट यू सो गवर्नमेंट इज पेइंग मनी इफ यू आर गेटिंग वैक्सीनेटेड सो लॉट ऑफ ग्रेट इनिशिएटिव हैपनिंग आउट देयर एंड मोर टू डू विद स्पेस सो वॉट हैपन्ड हियर वॉज बिट कॉइन क्रिप्टो करेंसी ऑल ऑफ यू हैव हर्ड सो देर इज समथिंग कॉल्ड डॉज कॉइन एंड डॉज कॉइन बिकेम ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है कि नया प्रोडक्ट है काफ़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन काफ़ी टाइम हो चुका है इसको इट स्टार्टेड ऑफ़ एज अ मीम एंड मजाक मजाक में डॉज कॉइन बना दिया और उसके बाद वो जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि या आई एम ऑल्सो गोइंग टू इन यू नो इन्वेस्ट इन डॉज कॉइन सडनली उसकी वैल्यूएशन ऊपर चली गई एंड उसके बाद वापस एलॉन मस्क ने दो तीन दिन पहले ट्वीट कर दिया कि नहीं अब हम बिट नहीं लेंगे टेस्ला कार्स बेचने के लिए क्योंकि कॉइन माइनिंग में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है फिर उसके वैल्यू गिर गई बट इन द मेन टाइम यू ऑल्सो सेट समथिंग कि स्पेस एक्स इज प्लानिंग टू डू अ लूनर प्रोग्राम अ लूनर मिशन फंडेड बाई डॉज कॉइन तो यू नो पीपल विल पे स्पेस एक्स इन डॉज कॉइन एंड दिस इन्वेस्टमेंट इलॉन मास्क कंपनी स्पेस एक्स इज गोइंग टू यूज टू फंड अ मिशन टू मून ना वेरी इंटरेस्टिंग कि पहले आप सरकार से पैसे मांगने जाते थे कि हमें पैसे दे दो फंडिंग दे दो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं और फंडिंग चाहिए डॉलर्स में रुपीस में इतने करोड़ का बजट उतने मिलियन डॉलर का बजट बट नहीं अब क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करो हम अपना अपने आप देख लेंगे कैसे करेंगे मैनेज एंड विल लॉन्च द मिशन सो द वर्ल्ड हैज़ मूवड गेज दिस इज़ हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड विच इज़ वाई रीली वॉन्ट टू पुट दिस आर्टिकल ही एंड ऑल्सो रिमांइंड यू एट द सेम टाइम अबाउट डॉज कॉइन विच इज़ अ क्रिप्टो करेंसी and uh, the mission will be called dodge 1 mission to moon and uh, also the founder of spacex just reminding you that it is elon musk and it is in my video of uh, top uh, startups in the world okay cool Now, in this uh, time kuch things hui uh, wherein us came out and said that chinese military was uh, actually in fact uh, Considering using coronavirus as a means to uh, spread as a means of warfare, so uh, you know it's, it's a big uh, reveal that has happened that Chinese military how it was planning to use COVID uh, as a as a tool of as tools of biological warfare. If World War Three hota hai and how to weaponize coronavirus, so. Uh, नाउ दिस will अगेन टेक द इन्वेस्टिगेशन बैक टू चाइना वेर पहले डब्ल्यू एच ओ गई उसने बोला कि वुहान से आया फिर बोला नहीं आया फिर उसकी टीम गई फिर चाइना uh, ने प्रोटेस्ट किया डब्ल्यू एच ओ से नहीं वो वुहान से जनरेट नहीं हुआ फिर वापस uh, दूसरी कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया फिर डब्ल्यू एच ओ बोला नहीं चाइना प्रिवेंटेड अस फ्राम एक्सेसिंग ऑल द फैसिलिटीज़ कोविड मोस्ट प्रॉबली ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड नाउ दिस रिवील बाई यू एस मिलिट्री सो वी नीड टू सी कि ये पिंग पोंग कहाँ जाके ख़त्म होती है अभी फिलहाल तो जूझना झेलने का टाइम है इंडिया के लिए सो विल गो थ्रू दिस मेस फॉर द टाइमिंग एंड वन मोर थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज दैट अ चाइनीज रॉकेट विच वॉज विच टुक देयर पार्ट्स ऑफ देयर स्पेस स्टेशन परमानेंट स्पेस स्टेशन विच वॉज लॉन्च बाय द बिगेस्ट चाइनीज रॉकेट लॉन्ग मार्च फाइव बी It started crashing on Earth. So normally, crashes uh, these uh, rockets use spent rockets. When they crash back on Earth, they they are controlled in nature. They burn out in the atmosphere, and uh, very little debris fall on Earth. And majority of it crashes in the ocean. But in this case, Russia was uh, sorry, China was pulled up very badly by other countries and other space agencies. For the fact that they could not control the descent of their rocket or the fallback of their rocket re-entry into Earth. Uncontrolled and in the process it was not known that the country the ja sea? So usko leke, uh, there was a debate happening and it became difficult to really track the trajectory because in this case it had lost all its transponders and everything. It was just a spent uh, rocket engine which was falling uncontrollably and a big piece of a uh, big and heavy piece of chunk of metal, right? So finally, it did enter uh, Earth. Kafi, it did burn out. Though there were questions even related to the fact: Will it burn out? Will it not burn out given its size and mass? So it partly burnt out and uh, eventually fell in the Indian Ocean. And it is the only the second instance after uh, NASA's Skylab. विच फेल आउट ऑफ ऑर्बिट इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन जहाँ पे इट वॉज प्रडिक्टेड दैट इट विल फॉल इन ऑस्ट्रेलिया बिकेम डिफिकल्ट टू प्रडिक्ट एंड इट फेल इन ऑस्ट्रेलिया सो रिस्की राइट अगर आप चल रहे हो सड़क पर आपके ऊपर कोई स्पेस से कुछ चीज़ आके गिर जाए तो क्या ही होगा इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव राइट एंड टिल डेट देर इज़ ऑनली वन पर्सन नोन इन हिस्ट्री हुज़ एवर बीन स्ट्रक बाय स्पेस डेबरीज नॉट इज़ नोन Other unknown cases nobody knows, but this is a known case where a lady uh, was struck by a space debris, right? But thankfully, she wasn't injured because it was a light piece of insulation. So, to avoid anything like that, uh, the world really uh, thinks China was very reckless in its step of not knowing how to control the descent back or the re entry of its rocket back in Earth. Okay. Now, what also happened was last week uh, something to do with. Uh, uh, the civilization and the uh, evolution of mankind. Uh, nine Neanderthal remains have been found in Rome. Now, let me tell you what are Neanderthals. If you are image dekh rahe ho on the screen, now Neanderthals and human beings, they look alike, but they are not the same, right? Like chimpanzee and orangutan or gorilla, they look. They sort of look the same. They are. They are all three. Uh, you know from the species of uh, ape family they all three belong to the ape family but three are very different animals one is big uh, in size like a gorilla one is agile and nimble like a uh, orangutan and intelligent third is a chimpanzee which has its own form of intelligence and is very uh, nimble and uh, lean unlike a gorilla so similarly even human beings didn't just evolve into human beings on

50,000 years back, Neanderthals used to exist. 50,000 years back, even humans used to exist. And there have been known instances wherein humans and Neanderthals interacted with one another and they stayed together. But they were not both humans. Humans, we are humans, and then the other species is called Neanderthals. Right? And nine uh, remains of nine Neanderthal men have been uh, found in Rome, which is in Italy. And they were spread largely across uh, the European continent, Neanderthals. They were spread in France, Germany, Italy. That's where their remains have been found. They have not really been found in Asia. Okay. And uh, with this, guys, this is uh, what I really had to cover for the previous week. I really tried to stay as much away as possible from the world of COVID and the stress that is building up. I just wish that all of you guys stay safe. Please uh, take good care of your health, of your family members. इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन आउट देयर बट येस इट ऑज ऑल्सो द टाइम टू स्टे रेजिलियट एंड स्टे कीप आर था फोकस्ड ऑन वॉट मैटर्स मोस्ट एंट्रेंस और एग्जाम का तो अभी देखना है क्या फाइनली आर य रूलिंग वापस मैं न्यूज़ देख रहा था कि शायद कैंसिल ही हो जाए लेट्स इट ऑल शुड टर्न आउट इन योर फेवर दैट्स ऑल आई रियली विश फॉर and uh, thanks guys i'll see you soon uh, please do press the like button if you like the video and uh, press the notification button so that you immediately get the notification jesse ugly video out here i'll see you next week until then bye from my side